इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग द रिएक्शन इन विच द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट द वीक इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम द सब्सट्रेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये थियरी तुम लोग लिख लेना, ठीक है। इसके बाद से अगर बातें करें तो अगर यहाँ पे मेरे को बेंजीन रिंग वाला ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी है हम लोग के पास है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराना चाहूँ, देखना तो इसमें ये E प्लस कहाँ अटैक करी, ये E प्लस आया कहाँ से सर, तो ये कहाँ से आया वो अभी देखेंगे आगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं कि होता कैसे है। तो यहाँ पे E प्लस कहाँ अटैक करेगा, इसके निगेटिव पे, इसमें निगेटिव है कहाँ सर, तो निगेटिव हर बॉन्ड में है, हर बॉन्ड में बसा निगेटिव, कण कण में बसा, ठीक है। तो हर बॉन्ड में बस है निगेटिव, मतलब इस बॉन्ड का निगेटिव अटैक ऑन पॉजिटिव, अगर बॉन्ड का निगेटिव इधर ले ले या इधर ले ले, अगर मान लेते इधर निगेटिव ले लेते इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव ले लेते इधर पॉजिटिव, चलो मान लेते एक साइड निगेटिव ले लिए, किस साइड, जिस साइड तुम लोग मन करो, इधर ले लिया था निगेटिव तो इधर आ गया था पॉजिटिव, बोलो हो जाएगा। सेकेंड स्टेप की बात करिए, फर्स्ट स्टेप हो गया, मैं एक ही बार में सारा स्टेप लिख देता हूँ, अलग अलग नहीं लिखूंगा। सेकेंड स्टेप की बात करूं तो ये H प्लस अब बेकाबू हो रहा है कि मैं स्टेबल था, तूने मेरे को अनस्टेबल किया, अब मैं क्या करूं, रिंग भी हूं ऐसे ही अनस्टेबिलिटी मेरे पास थी, ये क्या कर दिया, तो ये क्या करेगा फिर कि अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कहीं से भी निगेटिव चार्ज की प्रावधान करेगा। अब इसको निगेटिव तो मिलने वाला है नहीं क्योंकि यहां पर कोई निगेटिव नहीं है, मतलब ये अपने ही फैमिली में बात करेगा कि क्या मेरे को कोई भी निगेटिव दे सकता है। तो इसका एक भाई है, भाई मतलब बगल वाला भाई पड़ोसी, वो बोलेगा मैं तेरे को निगेटिव देने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं एक कुछ लॉस करके ही दे पाऊंगा, तो बोलेगा प्लीज मेरे को स्टेबल कर नहीं तो मैं पूरा रिंग तोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ चुका है, पॉजिटिव आ गया मतलब ये पॉजिटिव रिंग के ऊपर हाईली अनस्टेबल, मतलब ये रिंग टूटने वाला है, तो बोलेगा मैं ये रिंग तोड़ू उससे पहले अपना तुम कुछ भी लॉस कर लेकिन मेरे को निगेटिव चाहिए। तो बगल वाला पड़ोसी मतलब ये, यही क्यों, ये क्यों नहीं, ये भी बात करेंगे। इसके पास एक एच भी है, एक एच भी है, ये बोलेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रोफाइल तो लूज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत भाग्य से आया हुआ है इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन वीक इलेक्ट्रोफाइल यूज कर सकता हूं, मतलब हाइड्रोजन को, तो मैं हाइड्रोजन को लूज करूंगा H प्लस के रूप में, मतलब इसका सारा निगेटिव यहां पे मैं दे दूंगा जिससे कि तुम्हारा पॉजिटिव को हम पोलैरिटी के साथ न्यूट्रलाइज कर लेंगे बॉन्ड बना के, बात को समझे, मतलब ये H का पूरा बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड पॉजिटिव, मतलब अब यहां पे हमारे पास देखना बॉन्ड बन चुका है, E यहीं पे है लेकिन अब जो H प्लस है वो इसके पास नहीं रहा। अब बातें आती है, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दो स्टेप्स, एक स्टेप और होते हैं इसमें जिसमें इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, ये E प्लस आया कहां से, वही वाले एक स्टेप मैं शुरू में अभी इरेज किया, अभी बताता हूं। अब बातें आती है कि ये सर यहां से क्यों नहीं इरेज किया, यहां भी तो हाइड्रोजन था, तो एक चीज और देखना, अगर ये लूज करके यहां डबल बॉन्ड बनाता तो यहां लगातार दो बॉन्ड आते और लगातार दो बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं हुआ जल्दी, वो भी रिंग में, मतलब एक तो ओपन चेन में अनस्टेबल होता है, रिंग में तो हाईली अनस्टेबल होगा, तो इसलिए लगातार डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। यहाँ रनिंग रेजोनेंस वाला बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक खाली एक बॉन्ड, एक खाली एक बॉन्ड, तो रनिंग रेजोनेंस इज वेरी मच स्टेबल, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहां से हटाने कहां से नहीं हटाने ये सीखो, तुमको पता है कि यहां हटा के यहां जोड़ देना है, लेकिन ये जब तक प्रोसेस नहीं मालूम होगा आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मैकेनिज्म। अब बातें आती हैं कि इलेक्ट्रोफाइल बना कैसे, इलेक्ट्रोफाइल बना कैसे, दो चीजें अभी रह गई कि सर बेंजीन का आपने इधर का डबल बॉन्ड तोड़ा, इधर का डबल बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा, बेंजीन चारों तरफ से सेम है कि इधर का भी डबल बॉन्ड तोड़ लो चलेगा, लेकिन आगे आने के बाद अब बेंजीन सेम नहीं रह जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देखना, यदि इलेक्ट्रोफाइल आया है अब कहां से आएगा वो बताऊंगा आगे, ये देखना ये CH3 आ गया, मतलब अब बेंजीन चारों साइड से सेम नहीं रहा, इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये टूटेगा कि ये टूटेगा कि ये टूटेगा, ये डायरेक्ट करेगा, ये मालिक है बेंजीन के ऊपर, मालिक बैठा है, मतलब किसी बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते हो, अब ये बताएगा कि कौन बॉन्ड तोड़ोगे,
ठीक है तो अच्छा CH3 कैसे बताएगा सर कि कौन कौन तोड़ोगे, ये तो बोल नहीं सकता है, आपने तो बोला कि बोलाएगा, नहीं बोलेगा नहीं, ये फीलिंग शेयर करेगा कि मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन हूं, मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हूं, ठीक है तो मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो मैं इधर की तरफ डोनेट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं इधर की तरफ डोनेट कर रहा हूं तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, ये टूट के फिर इधर डोनेट होगा तो इधर निगेटिव, क्लियर है? इसको मैं जब 12th का लेक्चर चालू करूंगा तो और डिटेल्स कर दूंगा, इसका पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवा दूंगा जो तुम 11th से बनाए होगे, इधर आ जाएगा निगेटिव, अगर इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, घुमा देना निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट, क्या यहाँ निगेटिव तो यहाँ निगेटिव आ सकता है क्या? जिंदगी में कभी नहीं आ सकता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो तो निगेटिव पॉजिटिव घुमा दो। अब इस ई प्लस को कहाँ अटैक करा सकते हैं सर? यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव, इसको ऑर्थो बोलते हैं बगल वाले पोजिशन को, इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा, तो ऑर्थो पे है निगेटिव और पैरा पे है निगेटिव, मतलब दोनों जगह अटैक करा सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि यहां पे CH3 यहां देना, ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है ई या फिर प्लस करके दी, पैरा पे भी जुड़ सकता है ई, क्लियर है? मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर ग्रुप है CH3 फॉर इलेक्ट्रोफाइल, इसको रटने का नहीं, समझने का और लिखने का। वीडियोस बंद हो सकते हैं तो मैं आगे जो भी बताने जा रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल्स बने, तुम लोग आराम से घर पे बैठ के देख लेना क्योंकि अब बंद होगा लग रहा है, 40 हो चुका है, बंद, चलो ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे अटैक करेंगे, इसके बाद से बात होती है कि सर ये CH3 दे रहा है तो यहाँ पे निगेटिव है, अगर कोई खींचने वाला इलेक्ट्रॉन ग्रुप आ जाता तो, अब देखना जैसे खींचने वाला ग्रुप आ जाता, जैसे मान लेते हैं ये NO2 आ जाता तो NO2 ऑक्सीजन खींचेगा, मतलब ये भी अपनी तरफ खींचेगा, अब ये भी अपनी तरफ खींचेगा तो निगेटिव इधर चला गया तो पॉजिटिव यहां, अब पॉजिटिव अगर यहां आ गया तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव घुमा दे क्या? बोलो अगर मेरे को अभी भी इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कराने हैं, देखना अगर मेरे को अभी भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना तो ई प्लस कहां अटैक करेगा? मेटा पोजिशन, अब मेटा पोजिशन पे मैं इसको अटैच कराऊंगा, बोलो ये NO2 रह जाएगा और यहां पे ई आ जाएगा, इसमें एक ही प्रोडक्ट बना एक ही टाइप का, लेकिन यहां पे जो प्रोडक्ट बनी ये दो टाइप के प्रोडक्ट है, ऑर्थो एंड पैरा। अब बात करेंगे ऑर्थो और पैरा क्या दोनों 50-50% बनेगा? तो नहीं, यहां पे एक कांड होते हैं कि यहां पे दो बड़े स्पीसीज एक पास आने के वजह से यहां रिपल्सन्स होते हैं और ईच रिपल्सन्स प्रोड्यूस समवट एनर्जी, और एनर्जी प्रोड्यूस होने के वजह से ये बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते नहीं तोड़ते हैं। अब बॉन्ड टूटने की वजह से कुछ ई प्लस हटते जाता है तो कुछ जो बना था वो तो निकल गया, फिर से यही बन गया। तो यहां पे ये जो होता है इसमें रिपल्सन्स नहीं होने के चलते ये मेजर होता है और ये माइनर होता है। इसको ये भी बोला जाता है कि ये फिट ऑन देयर लैटिस, अपने लैटिस में ये फिट बैठ जाता है, मतलब जितना इधर खींच रहा है उतना इधर खींच रहा है, यहां पे हिंड्रेंस के चलते उल्टा हो जाता है, क्लियर है? तो यहां पे ऑर्थो पैरा मेटा में से कौन स्टेबिलिटी होगा इसके बारे में हम लोग जैसे ही लेसन शुरू करेंगे उसमें देखेंगे, क्योंकि यहां पे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता इन दोनों के बीच में तो इससे ज्यादा स्टेबल ये हो जाता, तो वो चीजें हम लोग आगे देखेंगे, पहले इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है वो देख लेते हैं। बात आती है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आखिर ये सर आपने ई प्लस तो लिखा लेकिन कैसे लिखा ई प्लस, कब हम लोग समझेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक कराना है, तो ये चीजें देखते हैं कब इलेक्ट्रोफाइल बनने की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। बहुत ही लिमिटेड है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि एक झटके में काम तमाम कर देता है, मतलब या तो प्लस फोर या तो माइनस वन, एक झटका ओनली, बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही आसान भी है, सीख लो मैं बता रहा हूं, मैं ज्यादा तामझाम नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूं, इसलिए मैं थोड़ा आसान से बता देता हूं। यहां लिखना फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हेडिंग करके उसमें लिखना पहला पॉइंट कि अगर AlCl3 का Cl2 के साथ दे रखा है रिएक्शन, ठीक है, तो यहां पे जो Cl2 मॉलिक्यूल्स है देखना ClCl, इसको तोड़ने वाला अगर होमोलाइसिस होता तो ये रेडिकल में टूटता, शुरू में भी बताया था, लेकिन तोड़ने वाला AlCl3 है। अब बोलो सर AlCl3
नॉन पोलर है कि पोलर है, ये कैसे आप पता किए? तो नॉन पोलर, ये तो नॉन पोलर है, लेकिन ये होमोलाइसिस क्लीवेज क्यों नहीं देगा, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसमें पार्शियलिटी होगी। मैंने बताया था कोई भी बॉन्ड तोड़ना है तो दोनों साइड अगर सेम स्ट्रेंथ है और तोड़ने वाला कोई पार्शियलिटी ना कर रहा हो, इसका मतलब ये होमोलाइसिस क्लीवेज होगा और फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। लेकिन अभी AlCl3 जो है वो पार्शियलिटी करने जा रहा है। कैसे सर, कैसे पार्शियलिटी कर देगा? और आप बोल रहे हैं कि अभी पार्शियलिटी करने जा रहा है, कभी बोलेंगे पार्शियलिटी नहीं कर रहा है, कैसे पता करें पार्शियलिटी करने जा रहा है? तो यहाँ देखा AlCl3 की हम लोग कैटेगरी देखेंगे कि AlCl3 करता कैसे, क्या है इसके पास, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है कि क्या ज्यादा है। तो एल्यूमिनियम की अगर तीन क्लोरीन जोड़ के देखें, यहाँ देखें एल्यूमिनियम से तीन क्लोरीन जुड़ा होगा मॉलिक्यूल्स, बोलो ठीक है, मतलब इस एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। मतलब अभी भी आउटर मोस्ट ऑफ एल्यूमिनियम कंप्लीट नहीं है। ये एल्यूमिनियम चाहेगा कि मेरा आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाए। अब ये आउटर मोस्ट अपना कंप्लीट करना चाह रहा है, इसका साफ साफ मतलब है कि ये निगेटिव चाह रहा है, क्योंकि छह ही है, दो निगेटिव चाह रहा है। मतलब ये क्लोरीन को ऐसे तोड़ेगा कि दो इलेक्ट्रॉन लेके एक क्लोरीन इसके पास आ जाए। बोलो अब समझ में आया क्लोरीन क्यों आधा आधा नहीं टूटेगा? तो ये क्लोरीन को ऐसे तोड़ेगा कि ये क्लोरीन का एक क्लोरीन अपना पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, इस बॉन्ड में दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आ जाए। मतलब ये तो बना लिया AlCl4-, क्योंकि Cl- इसके पास आ गया, तो Cl3 था, एक Cl और आ गया माइनस के साथ। अच्छा, और एक क्लोरीन जो बच गया, ये बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, Cl+ बन चुका है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे ही क्वेश्चन में दिया कि सर दिस रिएक्शंस, ये NH2 प्लस Cl2, ये क्या बनेगा सर AlCl3 के प्रेजेंस में, तो मैं क्या करूंगा, पहले AlCl3 और Cl2 को चेक करूंगा ये बना क्या रहा है, तो मालूम चलेगा मेरे को Cl+ बना रहा है, या इधर याद कर लो अभी से, नहीं तो बनाना सीख लो, Cl+ बना रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना, मैं समझ जाऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का खेल है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा, तो यहां देख लेंगे हाइड्रोजन इसको नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया, मुंडी पे इलेक्ट्रॉन आया, मतलब फिसल के कंधे पे आएगा, दोनों साइड निगेटिव। अब निगेटिव पॉजिटिव घुमाना है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तुम वैसे भी कर सकते हो कि ये बॉन्ड टूट के इधर आया, समझने के लिए, ये अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है तो ये मुंडी है, यहाँ आया तो यहाँ से लुढ़क के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं होगा फिर, ठीक है ना। तो ये Cl+ बना, तो मतलब ये इधर यहाँ अटैक करेगा, इधर यहाँ अटैक करेगा। अब स्टेबिलिटी किसकी होगी, यहाँ पे अटैच करेगा तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता क्लोरीन, मतलब यहाँ पे हेवी रिपल्शन होंगे तो ये वीक होगा, यहाँ पे अगर क्लोरीन अटैच करेगा इसका मतलब ये स्ट्रांग होगा। ये भी एग्जाम्पल लिख लेना कॉपी में। अब बातें करेंगे दूसरा मेथड, दूसरा तरीका इलेक्ट्रोफाइल बनने का, मतलब यहां पे Cl+ बना, बोलो दूसरा तरीका होगा। तुम लोग एक एक तरीका अलग अलग लिखना, मेरे साथ ऐसे ही छोटा छोटा मत लिख लेना, वो चालाक बन के। HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, ये कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, क्यों चाहिए ये लिखना, क्योंकि इससे मेरे को H+ चाहिए, H2SO4 concentrated gives H+, ये अटैक करेगा HNO3 पे। अच्छा HNO3 पे H+ अटैक करेगा तो क्या बनेगा, बताओ HNO3 पे H+ अटैक करेगा तो क्या बनेगा? चलो मैं बना के देखता हूं, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, OH, बोलो यही बनेगा, प्लस H+, ये H+ कहां अटैक करेगा? H+ अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक ऑन H+, ये क्या बना लेगा बोलो N, ये O2 तो ऐसे ही जुड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे, बॉन्ड बना के जोड़ लो चाहे ऐसे ही लिख लो। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, O H2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी है ना, पॉजिटिव आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए निगेटिव चाहिए होगा, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करके सारा निगेटिव ले जाएगा, ये सब तो पता ही होगा तुम लोगों को। ये सारा निगेटिव इधर ले गया, मतलब पॉजिटिव को इधर छोड़ गया। अब पॉजिटिव आ जाएगा NO2 के ऊपर, NO2 पॉजिटिव, H2O रिमूव आउट, थकान हो गया रे, चलो बता कहीं जाएंगे। तो यहां NO2 प्लस मेरे को क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा वो भी बता देता हूं, एक एक एग्जांपल सबका मैं बता रहा हूं, देखते चलना। अगर ये NH2 है
तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ये अटैक करेगा जो देखना NH2 यहाँ NO2 और एक बार यहाँ NH2 और यहाँ NO2, बोलो ठीक है। अब यहाँ पे इसमें स्टेबिलिटी किसकी हुई थी, ये नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन से H बॉन्ड बना सकता है, बोलो H बॉन्ड की कंडीशन दोनों क्लासेस में भरपूर मात्रा में बताया हूं, इसलिए ये भूल रहे हो। यहां देखो ये H बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो H बॉन्ड जहां बनता है वो मोर स्टेबल होती है, ये मोर स्टेबल, ये मेजर होगा मेजर, ये होगा माइनर, तो ये दूसरी कैटेगरी थी बनाने की हम लोगों को। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बना, NO2+। ऐसे ही तीसरी कैटेगरी में वो फ्रीडल क्राफ्ट के नाम से आता है, ये मैं 12th में जब आऊंगा तो पढ़ा दूंगा अच्छे से, जैसे CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब तुम लोग बता सकते हो कि सर AlCl3Cl- को लेके जाता है, आपने यहां क्लियर किया था मेरे को पूरा बता के, जब Cl- चला गया तो AlCl4- बन गया और बच क्या गया, CH3+, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं ये फ्रीडल क्राफ्ट का रिएक्शन है, देख लो ये C डबल बॉन्ड हो Cl, एसाइल क्लोराइड बोलते हैं, अगर इसके साथ AlCl3 रिएक्शन किया तो सर AlCl3Cl- को लेके जाएगा, मतलब ये पूरा क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब C डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसके बाद सल्फोनेशन आता है, H2SO4 रिएक्ट विद H2SO4, HSO3- प्लस बनेगा, तो वो भी बनेगा 12th में। ये पूरा हर लेसन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसी लेसन में दो बार भी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 12th के हर लेसन में पढ़ने हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि इसको इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी कर लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि ये फाइनल एग्जाम्स में जो तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें जरूर 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 आएगा, ऐसा समझ के पढ़ो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, तब जाके क्लियर होगा, समझे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनते हैं वो मैंने तीन चार तरीके बता दिए, पांचवा हो सकता है H2SO4 प्लस H प्लस, H प्लस ये H2SO4 से आ जाए चाहे कोई एसिड से आ जाए, तो ये इस पे अटैक करेगा तो H प्लस जाएगा तो H2O निकालेगा, चलो H2O इसमें से हटा दो तो क्या बचा, HSO3 प्लस प्लस H2O निकल गया, जैसे इसमें H2O निकला था। इसको तुम लोग बनाना, तुम लोग सॉल्व करना इसको और सॉल्व करके बताना कि बना या नहीं बना, नहीं बनता है तो कमेंट करना, कमेंट में लिख देना सर H2SO4 वाला नहीं बन पाया हमसे, मैं उधर बना के दूंगा। शर्माना नहीं कि सर पूछेंगे तो सब देखेगा तो क्या बोलेगा, तुम शर्मा जाते हो, पिनेकल वाले का यही एक प्रॉब्लम है, शर्माना पढ़ते अच्छा लेकिन शर्माते हो जाते हो, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक जो मैंने बोला था वो करा दिया, कल से हम लोग 12th का स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब हैलोजन हैलोजन्स, क्योंकि इसके बाद जो भी बेसिक्स आएंगे उसमें हम लोग क्लियर करेंगे, एडिशन रिएक्शन से एलिमिनेशन रिएक्शन से वहीं पे क्लियर करते हुए चलेंगे, कि नाम से एक लेसन भी शुरू हो जाए और हम लोग उसको भी क्लियर करें, ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में यहीं से।